नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा मध्य प्रदेश वन रक्षक क्षेत्र रक्षक जेल पेरी भर्ती 2023 के बारे में। जैसे कि आप सभी कैंडिडेट्स को पता होगा, यहाँ पे फॉर्म भरने की लास्ट डेट ओवर हो चुकी है। कल यहाँ पर लास्ट डेट थी, ठीक है। यहाँ पे शाम को हमने काफ़ी वेट किया था कि यहाँ पे जो है किसी भी तरह का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ रहा है क्या, यहाँ पे जो है आपकी लास्ट डेट बढ़ाई जाएगी, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे जो एक हफ्ते का और आप लोग को टाइम दे दिया जाए, पर यहाँ पे किसी भी तरह का कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया। हमने वेबसाइट पर भी यहाँ पर चेक किया तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई जो है लेटेस्ट अपडेट देखने को नहीं मिली। तो फाइनली यहाँ पर जो है डेट नहीं बढ़ाई गई है दोस्तों, ठीक है। फॉर्म संशोधन की यहाँ पर जो है 13 फरवरी तक यहाँ पे आप लोग करेक्शंस कर सकते हैं। मान लीजिए आपने पोस्ट प्रेफरेंस गलत फिल कर दिया है, यहाँ पे आपने पहले यहाँ पर जो है एक ही डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया था, तो आप यहाँ पर जो है करेक्शंस कर सकते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक से अधिक यहाँ पे जो है आपने फॉर्म भर दिया, कल आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स से कमेंट्स आ रहे थे कि सर यहाँ पर हमने फॉर्म भर दिया है पर हम पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, ब्राउज़र हमें बैक कर दे रहा था, सर्वर एरर आ जाता था, इस तरह की तमाम समस्या यहाँ पर हो रही थी। कई स्टूडेंट्स से कमेंट आया सर पेमेंट भी कट गया, यहाँ पर जो है सक्सेसफुल भी हो गया पर अभी भी फॉर्म में यहाँ पर जो है बता रहा है कि यहाँ पर जो है आपका नहीं किया गया हुआ है, तो हम लोग क्या करें। तो इस तमाम यहाँ पे जो है कमेंट्स आए, तो यहाँ पे आपके कमेंट्स के भी मैं जवाब दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। और फॉर्म संशोधन वाले यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे किस तरीके से जो है आप लोग फॉर्म संशोधन कर सकते हैं। पेमेंट रिगार्डिंग भी देखेंगे, पेमेंट को किस तरीके से चेक करना है, सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में दोस्तों आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। जो लोग मेरे इस चैनल पर अभी नए, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी जॉब अपडेट रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलते हैं हम लोग इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे किसी भी तरह कोई आपको नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। होम पेज पर भी अगर आप लोग यहाँ पर जाते हैं तो भी यहाँ पर जो है आपको किसी भी तरह की यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलती है। तो हम लोग एक बार फाइनली यहाँ पर आप चेक कर लेते हैं लाइव, अभी यहाँ पर जो है किसी भी तरह कोई नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वेबसाइट यहाँ पे अभी थोड़ी स्लो चल रही है, आपको थोड़ा वेट कर लेना है, कई बार तो वेबसाइट ही ओपन नहीं होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी तरह की कोई नई चीज़ आपको देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। चॉइस फिलिंग रिगार्डिंग ही यहाँ पर जो है रूल बुक जो आया था अमेंडमेंट, वही यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, बाकी यहाँ पर कोई नई चीज़ आपको देखने को नहीं मिल रही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो है आप लोग करेक्शंस ही अब यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लास्ट डेट नहीं बढ़ाई गई है, यहाँ पर जो है ये यही यहाँ पर जो है आपको देखने की चीज़ देखने को मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर ये आम सूचना का एक यहाँ पर जो है ये टैब खुल रहा है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और पब्लिक इन्फॉर्मेशन इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आम सूचना में, इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दिया गया सर्वसाधारण सूचित किया जाता है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड मंडल भोपाल द्वारा अबकारी आरक्षण भर्ती परीक्षा 2022 F1 रक्षक क्षेत्र रक्षक जेल पेरी के सहायक अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के आयोजन किए जाने पर उक्त परीक्षा बिना किसी विवाद के संचालित हो सके, इस संबंध द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर खंडपीठ द्वारा एव ग्वालियर मध्य प्रदेश के संरक्षक कोविड द्वारा की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया हुआ है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया हुआ है, यदि किसी अन्य द्वारा इस संबंध में माननीय न्यायालय के समक्ष याचिका जारी की जाती है, यहाँ पे जो इस तरीके की आपको ये आम सूचना देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है किसी भी तरह का कोई आपको डेट से रिलेटेड यहाँ पर डेट बढ़ाई गई है, इस संबंध में कोई भी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती है फ्रेंड्स ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग किस तरीके से फॉर्म में यहाँ पर करेक्शन आप लोग को करना है अगर आपसे कोई गलती हो गई है, और जो लोग यहाँ पर जिनकी पेमेंट नहीं हो रही है वो लोग क्या करें। यहाँ पर जो है हम लोग को सेक्शन में आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर जो है हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं, यहाँ पर जो है आप लोग भुगतान पश्चात संशोधन इस पर यहाँ पर जो है ग्रीन टिक पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे चेक मांगा जाएगा, इस पर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और आगे बढ़े इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, ठीक है, ये थोड़ा सा लोड लेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है आप लोग को आपका आईडी नंबर जो है वो डालना है, उसके बाद यहाँ पे जो है आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर आवेदन क्रमांक आपको डाल लेना है, ट्रांजेक्शन आईडी आपको डाल लेना है, और जन्म यहाँ पर जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद कैप्चा आपको डाल के सत्यापित आगे बढ़े इस पर क्लिक कर देना है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं फॉर्म, ठीक है, फॉर्म में आपको पहले दिखा देता हूँ, यहाँ पे फॉर्म है, इसमें यहाँ पर जो है मैंने फॉर्म यहाँ पर भर दिया था पर भुगतान में नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो भुगतान नहीं कर रहा तो ट्रांजैक्शन आईडी भी मेरी नहीं है, तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ट्रांजेक्शन आई डी पहले बता था अगर मैं यहाँ पर जो है पेमेंट करता तो, पर यहाँ पर मेरी ट्रांजेक्शन आई डी इसलिए जनरेट नहीं हुई है क्योंकि मैंने भुगतान ही नहीं किया, तो इस कंडीशन में मैं क्या करूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो इस तरीके से आप देख सकते हैं
यहाँ पे जो है आप लोग को इसके बिना आगे आपका फॉर्म ही आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पर कंपलसरी है। इसके बिना यहाँ पर आप जो है सत्यापित आगे बढ़े इस पर जो है क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपका फॉर्म ओपन होगा। तो यहाँ पे जो है इस कंडीशन में आप फॉर्म यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पर मांग ही रहा है, ठीक है, क्योंकि डेट यहाँ पर अगर बड़ी होती तो हम लोग फिर से यहाँ पर फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते, पर यहाँ पर हम लोग जो है इस तरीके की कोई चीज़ यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पर जो है मांग ही रहा है फॉर्म एडिट करने के लिए, ठीक है। और जिन लोग का यहाँ पर ऑलरेडी फॉर्म भरा हुआ है वो लोग यहाँ पर जो है किस तरीके से ट्रांजेक्शन आईडी डाल के करेक्शंस कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वाला फॉर्म यहाँ पर पेड है, ठीक है, इसमें यहाँ पर पहले ही पेमेंट मैंने कर दिया था जो कि यहाँ पर सक्सेसफुल रहा था, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आई थी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट है क्योंकि यहाँ पर भुगतान हो चुका है, ठीक है, फीस यहाँ पर जो है कट चुकी थी। यहाँ पे मेरा फॉर्म है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी डालूंगा और फॉर्म एडिट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं इसको कॉपी कर लूँगा, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ और अपनी जो है आईडी वो मैं यहाँ पर जो है वो डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी आपको डाल देना है, आपका यहाँ पे आवेदन क्रमांक डाल देना है और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, कैप्चा डाल के आपको सत्यापित आगे बढ़े इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर आप लोग जैसे ही सत्यापित आगे बढ़े इस पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो है आप लोग प्रोफाइल यहाँ पर फोटो आपकी चेंज कर सकते हैं, अगर यहाँ पे जो है आपने अधिक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट नहीं करा है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, एक से अधिक यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। सेंटर आप लोग चेंज कर सकते हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप लोग यहाँ पर पेमेंट करें तो 60 रुपये यहाँ पर आपके जो है कटेंगे, ठीक है, हर बार यहाँ पर जो है अगर आप लोग करेक्शन करेंगे तो आपके हर बार 60 रुपये कटेंगे। ज़्यादा आपको करेक्शन नहीं करना है तो बार बार आप यहाँ पर जो है गलतियाँ करेंगे, एक बार करेक्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपसे गलती हुई है, नहीं तो इसकी कोई आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल होना चाहिए जो लोग यहाँ पर आप लोग करेक्शंस करेंगे, ठीक है, उस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है अगर आप लोग करेक्शन नहीं करना है तो आप लोग यहाँ पर जो है फालतू में आपकी आईडी नहीं ओपन कीजिएगा, नहीं यहाँ पर जो है करेक्शंस को लॉगिन कीजिएगा, ठीक है। इस संबंध में भी यहाँ पर जो है काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर हमने मान लीजिए यहाँ पर जो है करेक्शन के लिए यहाँ पर इसको फॉर्म को ओपन कर लिया है, उसके बाद हमने पेमेंट नहीं किया, बैक कर दिया, तो हमारा यहाँ पर जो है फॉर्म जो है इस तरीके से पूछ रहे थे कि रिजेक्ट तो नहीं होगा या फिर यहाँ पर जो है कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो आप लोग फॉर्म ही मत खोलिए, अगर आपको करेक्शन करना है तो ही लॉगिन कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए, ठीक है। यहाँ से जो है आप लोग ईजी करेक्शन कर सकते हैं, 13 तारीख लास्ट डेट है। अब यहाँ पे बता देता हूँ अगर आप लोग को आपका स्टेटस देखना है वो किस तरीके से चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग पहले चलते हैं। यहाँ पे जो है आपको एक नीचे टैब दिखेगा, अपना आवेदन अंक खोजें, ठीक है। तो वहाँ पे आपको आईडी डालनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद आपका पासवर्ड डालना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देनी है। नीचे जैसे ही आप लोग आएंगे भुगतान किए गए आवेदन का भुगतान व आवेदन की स्थिति जांच है इस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है नया टैब ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको आवेदन क्रमांक डालना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है और कैप्चा डाल देना है। यहाँ पे जैसे ही आप लोग आपका आवेदन यहाँ पर जो है डालेंगे, उसके बाद नीचे आपको आगे बढ़े इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप इस पर आगे बढ़े क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म ओपन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा समय लेगा और आपका फॉर्म बता देगा कि यहाँ पर जो है आपका फॉर्म का भुगतान हुआ ही नहीं हुआ है, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पर स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप लोग को ईजी आपका यहाँ पर जो है स्टेटस देखने को मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पर जो किसी भी तरह का कोई लग रहा है कि हमारा यहाँ पर जो है फॉर्म का स्टेटस क्या है, ठीक है, या हमने पेमेंट यहाँ पर किया था सक्सेसफुल नहीं हुआ है, पहले यहाँ पर जो है बता रहा था कि आपका यहाँ पर जो है भुगतान नहीं हुआ है, बाकी यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं आपका स्टेटस, तो यहाँ पे इस तरह की तमाम जो आपको प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ पे जो है आप लोग अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो है आप कमेंट्स देख लेते हैं, जो भी यहाँ पर जो स्टूडेंट्स कमेंट्स किए थे उसके यहाँ पर जो है मैं आपको जवाब दे देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कल मैंने वीडियो डाली थी जिस पर काफ़ी स्टूडेंट्स का कमेंट्स आया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं बोला था पेमेंट लिंक शो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे पेमेंट लिंक जो है मैंने आपको पहले बताया हुआ है, डबल कर यहाँ पे वेरिफिकेशन में आकर आप लोग चेक कर लिए, ठीक है, आपका ट्रांजैक्शन आईडी डाल के। तो यहाँ पर जो है ये अगर आपका डेटा इसके पास होगा तो यहाँ पर जो है आपको ये बता देगा, नहीं तो आप लोग जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके ट्रांजेक्शन आईडी है वो बता दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोला हुआ है कि फॉर्म की लास्ट डेट बढ़वा दो प्लीज़, तो यहाँ पे साफ यहाँ पे जो है हाँ डेट ज़रूर बढ़ना चाहिए, पर यहाँ पे अभी किसी भी तरह कोई नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है फ्रेंड्स। मेरे फॉर्म तो फिल हो गया है पर यहाँ पे जो है मैसेज नहीं आया है, ठीक है, इस तरीके से बोला है इनने। यहाँ पे बोला है अब कैसे यहाँ पर पता चलेगा कि फॉर्म सबमिट हो चुका है या नहीं। तो यहाँ पर जो है मैंने आपके यहाँ पे प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया, यहाँ पर जो है आवेदन की स्थिति आप यहाँ पर चेक कीजिए, ठीक है, यहाँ पे जो है आप पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है बोला गया हुआ है भाई वन रक्षक यहाँ पर जो है एक ही ज़िले से यहाँ पर जो है भरा है, तो अब फॉर्म यहाँ पर जो है क्या अगर नहीं भरा तो क्या फॉर्म निरस्त हो जाएगा क्या, प्लीज़ रिप्लाई। तो इस तरह की कोई वो नहीं है, बाकी आप फॉर्म को करेक्शन करना चाहें तो कर सकते हैं, एक से अधिक यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट भी ज़िले भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। भैया मेरा वर्क यहाँ पे जो वर्क 2 का ये इन लोग पूछ रहे हैं, ठीक है भाई, फीस
करने की लास्ट डेट बता दो यार। ठीक है, तो फीस यहाँ पर जो है आप लोग कल ही यहाँ पर नया फॉर्म भरना था उनके लिए लास्ट डेट थी करेक्शन की 13 डेट है, यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 13 तारीख ही यहाँ पे करेक्शन की लास्ट डेट है, पेमेंट नहीं हो रही है। पेमेंट से रिलेटेड यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार नेटवर्क चेक कीजिएगा अपना, यहाँ पे जो है आपका इंटरनेट अच्छे से चलना चाहिए। फॉरेस्ट गार्ड का ऑनलाइन फॉर्म बता, यहाँ पे जो है इस बारे में पूछा इनने, फॉरेस्ट गार्ड के ऑनलाइन बता डेट बढ़ेगी या नहीं इस बारे में पूछा। तो अभी तो यहाँ पर जो है किसी भी तरह की कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिल रही है भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो है कल शाम तक हमने वेट किया था, जैसे आपको बताया कि यहाँ पर जो है जैसे पटवारी की डेट बढ़ी थी, आपका विवाह की बढ़ी थी, ठीक है, तो यहाँ पे हमें भी लगा इसकी भी बढ़ेगी, पर यहाँ पे कोई यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है, डेट बढ़ने का। तो फॉर्म में आप करेक्शन यहाँ पर कर सकते हैं, पर न्यू फॉर्म यहाँ पर जो है वो भराए नहीं जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो टैब जो था वो यहाँ पर जो है हट चुका है। बाकी यहाँ पे करेक्शन की जो है यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, करेक्शन चेक यहाँ पे जो है कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको और डिटेल्स देखने को नहीं मिलेगी फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको हम यहाँ पर जो है थोड़ा स्क्रॉल करेंगे ऊपर साइड, तो यहाँ पे जो है आवेदन जो नया आवेदन करने थे वो यहाँ पर जो है हट चुका है, सिर्फ यहाँ पर करेक्शन की डेट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आई होप दोस्तों जो भी मैंने डिटेल बताई है हर एक चीज़ क्लियर ही होगी, जो भी आपके क्वेश्चन थे उसके मैंने यहाँ पर जो है अच्छे से जवाब यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर जो है अब भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो है करेक्शंस यहाँ पर हो रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर लेट जो है नहीं कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको करेक्शंस करना है तो आप लोग जल्दी ही यहाँ पर जो है करेक्शंस कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई अपडेट आती है तो आप लोग को यहाँ पर बता दिया जाएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।